हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कंपनी ऑडिट स्टार्ट किया था सर। कंपनी ऑडिट में हमें पढ़ने हैं सेक्शन 139 से लेकर 148 तक। उसमें हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 141 स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था आपको कि मैं ज़रूरी नहीं है सीरियल ऑर्डर में सेक्शन कराऊंगा। कई बार हो सकता है कि मेरे को कोई सेक्शन पहले आपको कराना पड़े, जैसे 141 ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है सर, वो मेरे को सबसे पहले कराना पड़ेगा। बिकॉज इसमें हम सीखते हैं कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, कि कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन ऑडिटर, कंपनी का कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 141 की शुरुआत करी थी। एक बार फटाफट इसको गो थ्रू करेंगे। सेक्शन 141 में अगर मैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सर कौन ऑडिटर बन सकता है? अ पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पर्सन ऑडिटर बन सकता है जो कि क्या है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दूसरी चीज, एक फर्म भी ऑडिटर बन सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी वो भी ऑडिटर बन सकती है, इफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, अगर उस फर्म के मेजॉरिटी पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हो। तीसरी चीज, फिर हमने देखा था कि अगर मान लो सर कोई फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी ऑडिटर बन जाती है तो कौन सा ऐसा पर्सन है हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो फर्म के बिहाफ पे ऑडिटर बन सकता है, मतलब ऑडिटर की तरह काम कर सकता है और रिपोर्ट को साइन कर सकता है, वो पर्सन फर्म का जो कि क्या है सर, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में हो या बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्म ऑडिटर तब बनती है जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिसिंग होने हो। ठीक है, अब साइनिंग की अगर बात आएगी तो साइनिंग कौन कर सकता है, जो बंदा फर्म का, जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब वो इंडिया में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हमने एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देखी थी। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है वो बनता है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। मैंने बोला था सर आपको ये सेक्शन बाय ये सब सेक्शन के साथ क्लॉज, सब क्लॉज के साथ लर्न कर लेना है। सेक्शन क्या था, 141 सब सेक्शन 3, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें 141(3) क्लॉज ए क्या लिखा है सर, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई फर्म, अगर कोई ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंसल्टेंसी कंपनी खोल लेते हैं तो वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। वो कहता है एक बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक, ये 141(3)A में लिखा है। 141(3)B में क्या लिखा है सर, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ये मैंने बताया था सर, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी, SA-220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट। उसके बाद क्लॉज सी में क्या लिखा है, क्लॉज सी में लिखता है कि एनी एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय वो तो बन ही नहीं सकता, अगर उस ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय है या उस ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है वो भी सर ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो एबीसी क्लॉज। डी क्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, डी क्लॉज में हमने क्या देखा था, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, तीनों को कवर किया गया, कि या तो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या पार्टनर। फर्स्ट सब क्लॉज में क्या लिखा था, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अगर मैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा पार्टनर कंपनी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनी का यहाँ मतलब क्या होता है सर, कंपनी में वो कंपनी खुद भी आएगी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी और उस कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी, वो सब कुछ कवर करके चलता है। वो कहता है कि अगर मैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा पार्टनर अगर कंपनी की सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। इसमें कुछ प्रोविजो ऐड किया गया, प्रोविजो में क्या लिखा था कि सर रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव के लिए उन्होंने एक लिमिट दे रखी है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है कि रिलेटिव जो है वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, मतलब 1 लाख तक की फेस वैल्यू की अगर सिक्योरिटी किसी रिश्तेदार के पास है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख है। ठीक है जी, अगर मान लो रिलेटिव के पास 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी है और आप ऑडिटर बन गए हो और आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए हो, मतलब आपके रिलेटिव के पास 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी है और आप ऑडिटर बन गए हो, तो सर आपको 60 डेज का टाइम लिमिट दी जाती है कि 60 डेज के अंदर अंदर आप करेक्टिव एक्शन लेके वो सिक्योरिटी को 1 लाख तक ले आओ। मतलब अगर आपके रिश्तेदार के पास 1.5 लाख की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी है
तो आपको 60 दिन की टाइम लिमिट दी जाती है कि 60 डेज के अंदर अंदर इस 1.5 लाख को 1 लाख पर लिया हो। कैसे लेके आओगे? सर 50,000 की सिक्योरिटी अपने रिश्तेदार की बिकवानी पड़ेगी, आपको सेल करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये था क्लॉज नंबर 141(3)(d)(2) में क्या लिखा है। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज एम्प्लॉय इज इनडेप्टिव टू द कंपनी, इज इनडेप्टेड टू द कंपनी, मतलब उधारी चढ़ी हुई है या तो मेरे खुद के ऊपर या मेरे रिश्तेदार के ऊपर या मेरे पार्टनर के ऊपर। अगर हमारे ऊपर कंपनी की उधारी चढ़ी हुई है इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब अगर मेरे ऊपर उधारी चढ़ी हुई है 5 लाख से ऊपर की, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर मेरे रिश्तेदार के ऊपर 5 लाख से ऊपर की उधारी चढ़ी हुई है तब भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। और अगर मेरे पार्टनर के ऊपर 5 लाख से ऊपर की उधारी चढ़ी हुई है तब भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। वही सर, कंपनी में कौन कौन कवर होगा? सर उधारी या तो कंपनी की हो या कंपनी की सब्सिडरी की हो या कंपनी की होल्डिंग की हो या कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी की हो, कोई भी अगर कवर कर लिया तो ऑडिटर एसोसिएट भी हो तब भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। ये था क्लॉज नंबर 2। सब क्लॉज नंबर 3 में क्या लिखा है? सब क्लॉज नंबर 3 में लिखता है कि अगर मैंने या मेरे रिश्तेदार ने या मेरे पार्टनर ने कंपनी को गारंटी दे रखी है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, या तो कंपनी को गारंटी दे रखी है या किसी थर्ड पर्सन की गारंटी ले रखी है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, तो भी सर मैं ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं। ठीक है सर, तो ये 141(3)(d) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 की बात होती है। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है सर? क्लॉज बाय क्लॉज लर्न कर लेना सर, ये लर्न कर लेना प्लीज, बहुत अच्छा आंसर लगेगा आपका। ठीक, अब आ जाओ आगे। देखो जी क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। अब आता है इसमें क्लॉज ई। क्लॉज ई क्या कहता है? कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली, अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या कहता है? वो कहता है कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? क्लॉज ई में क्या लिखा है? क्लॉज ई में लिखता है वो व्यक्ति या वो फर्म जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब किसी के थ्रू, अगर मैं इनडायरेक्टली मतलब मेरी एक फर्म है मेरी फर्म के थ्रू, मतलब समझ लो सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हैज एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, मतलब अगर मेरा कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या मेरी फर्म का कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर मेरा डायरेक्टली कैसे हो सकता है? मेरा खुद का रिलेशनशिप है। मेरा इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? सर मेरे रिश्तेदार का रिलेशनशिप है या मेरे पार्टनर का रिलेशनशिप है। फर्म का डायरेक्टली रिलेशनशिप हो सकता है या फर्म के किसी पार्टनर का रिलेशनशिप है या फर्म के किसी पार्टनर के रिश्तेदार का रिलेशनशिप है। सब कवर कर दिया उसने, सिंपल लिख दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मेरा डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी या मेरा इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी है या एक फर्म है, फर्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी है, तो ना तो वो पर्सन ना फर्म ऑडिटर बन सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कंपनी में अगेन वही चीज सर, कंपनी में क्या क्या कवर किया उसने? कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी या कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी, सब कवर कर दिया उसने। लेकिन सर ये बिजनेस रिलेशनशिप टर्म क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिलेशनशिप? क्या कहता है वो, ध्यान से सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मे नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ई अबव द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज एनी ट्रांजेक्शन एंटर इन टू फॉर अ कमर्शियल पर्पज एक्सेप्ट। वो कह रहे बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमने कंपनी के साथ करी है एक्सेप्ट इन दो ट्रांजेक्शन को छोड़कर अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ करी है तो सर बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा। पहला पॉइंट, कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट
एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड रूल्स और रेगुलेशन मेड अंडर दोज एक्ट। क्या कहता है वो? वो कहता है सर मैं अपनी बात करता हूं पर्सन, मैंने कंपनी के साथ कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी है तो वो बिजनेस रिलेशनशिप माना जाएगा। लेकिन कमर्शियल ट्रांजेक्शन में दो एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर मैंने कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करी है जो कि परमिटेड है, जो कि परमिटेड है बाय एन ऑडिटर अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। भाई देखो ऑडिटर के अंदर ऑडिटर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मनाही दी गई है सेक्शन 144 में। जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज लिखी है सिर्फ वही मना है, बाकी बहुत सारी सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ऑडिटर कोई सर्टिफिकेशन का काम कर सकता है, ऑडिटर जैसे नेटवर्थ सर्टिफिकेशन बनाना, टर्नओवर सर्टिफिकेट बनाना, ये सब काम कर सकता है। मतलब अगर मैं कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं और मैंने कंपनी को कोई सर्टिफिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करी है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, मैंने कंपनी के फिक्स असेट्स को सर्टिफाई करके दिया है, या मैंने कंपनी की टर्नओवर को सर्टिफाई करके दिया है, तो वो कहता है कि ये सब चीजें बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आती। ऑल्दो दीज आर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, लेकिन स्टिल ये एग्जेम्प्ट होती है, ये बाहर होती है बिजनेस रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि सर लिखा हुआ है कि कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, तो सर उसको वो बिजनेस रिलेशनशिप में कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं बोलता। ठीक पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आता है? हाँ जी समझ में आता है, यस सर। और सर क्या एक्सेप्ट है, क्या एग्जेम्प्ट है? कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज अ कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटल, होटल्स एंड सच अदर सिमिलर बिजनेस। वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करी है जो बिल्कुल ऑर्डिनरी नेचर की है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और एक जेन्युइन प्राइस पर है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर है, तो सर उसको भी वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं मानता। जिसमें आती है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ऑडिटर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई सर्विस खरीदी है एज अ कस्टमर, ठीक है, बाय द कंपनी एंगेज इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होगी, आपकी एयरलाइंस कंपनी होगी, हॉस्पिटल होगी, होटल्स हो गए एंड अदर सिमिलर बिजनेस। भाई जैसे मैं किसी होटल का ऑडिट करने जा रहा हूं और मैंने ऑडिट करने से पहले उस होटल में स्टे किया था, मैंने ऑडिट करने से पहले उस होटल में स्टे किया था, तो सर जेन्युइन प्राइस पे स्टे किया था, तो सर क्या मैं बाहर हो जाऊंगा ऑडिट करने से? आंसर इज नो, कर सकता हूं मैं ऑडिट। मैं इंडिगो एयरलाइंस का ऑडिट करना चाहता हूं, मैं ऑडिटर हूं, मैं इंडिगो एयरलाइंस कंपनी का ऑडिट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने इंडिगो एयरलाइंस के सर्विसेज को यूज किया था ट्रैवलिंग करते हुए, कई बार यूज किया मैंने और जेन्युइन प्राइस पे किया है, कोई ऐसा नहीं मेरे को कोई स्पेशल एडवांटेज मिला, आर्म्स लेंथ प्राइस पे यूज किया है, तो नॉर्मल कस्टमर की तरह मैंने यूज किया है, तो क्या सर मैं बाहर हो जाऊंगा ऑडिट करने से? आंसर इज नो। वो कहते हैं ऐसे बाहर करने चले गए, ऐसे बाहर करने लग गए तो सर ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ऑडिट कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट समझ में आता है? भाई मैं रिलायंस का ऑडिट करना चाहता हूं लेकिन मैं जियो की सर्विस यूज करता हूं, मैं जियो को फोन यूज करता हूं, मैं जियो का नेटवर्क यूज करता हूं, तो सर क्या मैं बाहर हो जाऊंगा? आंसर इज नो। वो कहता है कि कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो सर वो बिजनेस रिलेशनशिप में कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती। पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट समझ में आता है? तो हमने क्या पढ़ा सर? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई में क्या लिखता है? क्लॉज ई में लिखता है कि कोई भी पर्सन या फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी मतलब कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी या कंपनी की होल्डिंग की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी, अगर उसके साथ पर्सन का या ऑडिट फर्म का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो पर्सन और ऑडिट फर्म ऑडिटर नहीं बन सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वो कहता है बिजनेस रिलेशनशिप मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन विच आर इन द कमर्शियल, विच आर फॉर द कमर्शियल पर्पज, एक्सेप्ट दो ट्रांजेक्शन को उसने एक्सेप्ट किया। पहला पॉइंट कि अगर कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी गई है इन द प्रोफेशनल नेचर, इन द प्रोफेशनल सर्विसेज के फॉर्म में करी गई है, विच आर परमिटेड टू बी डन बाय द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म अंडर द कंपनीज एक्ट,
अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 और रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करी जा रही है बाय एन ऑडिटर विच आर परमिटेड टू डू अंडर द कंपनीज एक्ट सीए एक्ट एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सर उसको वो कमर्शियल पर्पज की ट्रांजेक्शन नहीं मानता, बिजनेस रिलेशनशिप में वो नहीं आती, बाहर हो जाती है उससे. दूसरी, अगर कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी गई है विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो सर उसको भी वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन कमर्शियल पर्पज में नहीं मानता, बिजनेस रिलेशनशिप की डेफिनेशन से वो भी बाहर हो जाती है. क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट बोलिए जी. क्लियर? तो देखा हमने 141(3)(e). अब आ जाओ 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ. एफ क्लॉज तक पहुंच गए सर हम. टोटल आई क्लॉजेस आपके पास, एफ क्लॉज तक पहुंच गए हम. एफ में क्या लिखता है? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी. मैं अपनी बात करता हूं सर. आई एम ए पर्सन, मेरा रिश्तेदार, मेरा रिलेटिव या मेरी वाइफ किसी कंपनी में डायरेक्टर है. मेरी वाइफ किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो सर मैं उसका क्या नहीं कर सकता? ऑडिट नहीं कर सकता उस कंपनी का. इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाती है सर, इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाती है. तो अगर मेरा रिश्तेदार किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो सर मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता. या फिर मेरा रिश्तेदार उस कंपनी में इंप्लॉयड है, मेरा रिश्तेदार उस कंपनी में इंप्लॉयड है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो सर मैं ऑडिटर नहीं कर सकता. नो, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता. ध्यान रखना क्या लिखा है सर, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी या इंप्लॉयड एज अ डायरेक्टर और केएमपी इन द कंपनी. वो कह रहे हैं इंप्लॉयड एज डायरेक्टर इन केएमपी, मतलब अगर मेरा रिश्तेदार कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर जॉब कर रहा है, मेरा रिश्तेदार किसी कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर जॉब कर रहा है, अलाउड हूं मैं ऑडिटर का, अलाउड हूं मैं ऑडिट करने के लिए, आई एम क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर. मेरे फादर एक कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर जॉब करते हैं, मुझे बताओ क्या मैं उस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? आई कैन बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आई एम अलाउड. लेकिन अगर मान लो मेरी मदर, मतलब जिस कंपनी में फादर परचेज मैनेजर है उस कंपनी में मेरी मदर डायरेक्टर है या मेरी मदर केएमपी है, कंपनी सेक्रेटरी है, जनरल मैनेजर है, मतलब कोई भी सर केएमपी की डेफिनेशन में जो जो भी चीजें आती हैं वो सबकी पोजीशन होल्ड करती है, तो सर फादर के बेस पे तो मैं अलाउ था लेकिन मैं मदर के बेस पे डिस्क्वालिफाई हो गया. मैं मदर के बेस पे क्या हो गया सर? डिस्क्वालिफाई हो गया. पॉइंट समझ में आता है कि अगर पर्सन का रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर है या फिर इंप्लॉयमेंट में है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो सर मैं ऑडिटर उसका, पर्सन उसका ऑडिटर नहीं बन सकता. क्लियर? नेक्स्ट 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी में क्या लिखता है? वो लिखता है अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज अदर देन वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़. दोबारा पढ़ो. अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और, एक तो पॉइंट यहां तक कंप्लीट हुआ, और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एट ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज अदर देन वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़. हाँ जी, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो सर वो ऑडिटर नहीं बन सकता. फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बोला उसने, ऑडिटर नहीं बन सकता. सर अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो तो वो बन सकता है, अलाउड है. मतलब अगर मैं किसी कंपनी में कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हूं तो सर मैं किसी का भी ऑडिटर नहीं बन सकता. ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी कंपनी में जॉब करता हूं फुल टाइम,
तो मैं किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ये नहीं बोल रहा कि वो उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, वो कह रहा है किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकता। कैसे सर? यहां क्या लिखा है? अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं भी, कहीं भी, अगर मैं कहीं भी फुल टाइम एम्प्लॉयड हूं तो मैं किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक सर, अगर मैं कहीं पर पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हूं तो सर मैं अलाउड हूं, ऑडिटर बन सकता हूं। और वो कहता है अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज अदर देन वन पर्सन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन रुपीज 100 करोड़। क्या कहता है वो? वो कहता है कि सर अगर मैं पहले पर्सन की बात करता हूं, फर्म पे बाद में आऊंगा, अगर मैं जिस दिन मैं अपॉइंट हो रहा हूं कंपनी में, अगर मैं उस टाइम पे, अगर मैं उस टाइम पे ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटेड हूं, अगर मैं उस टाइम पे ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटेड हूं तो सर मैं अगली कंपनी का ऑडिट सेलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मेरे ऊपर एक सीलिंग लिमिट लगा रखी है कितने की, कि मैं मैक्सिमम, कि मैं इंडिविजुअल मैं मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं, मैं मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट एक टाइम पे कर सकता हूं। लेकिन वो कहता है कि इस 20 कंपनीज की लिमिट में कौन नहीं आता? वन पर्सन कंपनी नहीं आती, डॉर्मेंट कंपनी नहीं आती, स्मॉल कंपनी नहीं आती, प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर, जिसकी शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है वो नहीं आती। सर ये पॉइंट दोबारा समझेंगे। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, 141(3)(g) क्या कहता है भाई? पहले पहला पॉइंट तो उसने क्या बोला, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, मतलब अगर पर्सन कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड है, अगर पर्सन कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड है तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। फुल टाइम बोला है उसने, मतलब अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है तो सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक, अगला वो क्या कहता है? वो कहता है अगर मान लो पर्सन या पार्टनर ऑफ अ फर्म, पार्टनर ऑफ अ फर्म एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होल्डिंग पोजीशन ऑफ ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, होल्डिंग पोजीशन ऑफ ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, इस 20 कंपनीज में क्या नहीं आता, इस 20 कंपनीज में क्या नहीं आता, इस 20 कंपनी से बाहर है सर, बाहर है कौन? यह है सर एक्सेप्शन, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब चीजें आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होंगी सर, वन पर्सन क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, और प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, क्या बोला उसने, शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़। कहने का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। वो कहता है कि अगर कोई पर्सन, वो कहता है अगर कोई पर्सन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो कहता है अगर कोई पर्सन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर की पोजीशन होल्ड करता है तो वो सर उस कंपनी की अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अभी पर्सन को डिस्कस करते हैं, यह पर्सन सी ए एक्स ये बनने जा रहा है सर ऑडिटर ऑफ, ये बनने जा रहा है ऑफ ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिटर बनने जा रहा है। वो कहता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के टाइम पर चेक करो कि कहीं CAX ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिटर तो नहीं है, 20 या 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर तो नहीं है। अगर वो 20 या 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर है तो सर वो रिलायंस ऑडिटर के, रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड है।
वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑडिटर की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, वहां पर अपॉइंटमेंट उसकी नहीं हो सकती। लेकिन वो कहता सर ये 20 कंपनी में क्या नहीं आएगा, 20 कंपनी में ओपीसी नहीं आएगा, डोरमेंट नहीं आएगा, स्मॉल कंपनी नहीं आएगा, और प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो नहीं आएगी। मतलब सर ओपीसी जितनी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, डोरमेंट कंपनी जितनी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कंपनी जितनी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो जितनी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है वगैरह। इनके अलावा इन सब के अलावा जो कंपनीज हैं वो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सर 20 या उससे ज्यादा है तो फिर वो रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिटर नहीं बन सकता। पॉइंट समझ में आता है। ये तो थी बात सर पर्सन की। पार्टनर की बात करी जा रही है। वो कह रहा है अगर कोई पार्टनर किसी कंपनी का ऑडिटर बनने जा रहा है, अगेन पार्टनर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिटर बनने जा रहा है, तो चेक किया जाएगा सर वेदर दैट पार्टनर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वेदर दैट पार्टनर इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज और नॉट। अगेन यही एक्सेप्शन है कि 20 में ये इंक्लूड नहीं होगा, कि अगर वो पार्टनर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर ऑलरेडी है तो सर वो पार्टनर ऑडिटर नहीं बन सकता। मैंने बोला है वो पार्टनर ऑडिटर नहीं बन सकता, सर उसी फर्म का कोई और पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये जो लिमिट है ये पर पार्टनर चेक करी जाती है, ये लिमिट है पर पार्टनर चेक करी जाती है। मतलब एक सीए फर्म है जहां पर दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो अगर एक्स के ऊपर ये लिमिट लग रही है, मतलब एक्स अगर इस लिमिट में कवर हो जाता है, वो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर ऑडिट की पोजीशन होल्ड कर रहा था, तो सर वाई को पकड़ लो, वाई पे चेक करो, हो सकता है सर वाई एलिजिबल हो। मतलब ऑडिटर तो सर फर्म पूरी बनेगी, एक्स वाई एन कंपनी बनेगी, लेकिन सर ऑडिट करने कौन जाएगा? वाई जाएगा। ऑडिट करने कौन जाएगा? साइनिंग वाइनिंग कौन कर सकता है? वाई कर सकता है, एक्स नहीं कर सकता, एक्स नहीं कर सकता। अब इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूं मैं, होता क्या है देखो सर जो सीए फर्म्स होती हैं वहां पर कई सारे पार्टनर होते हैं, 4, 5, 6, 7 पार्टनर्स होते हैं सर, ऑडिट तो एक्सेप्ट हो जाती है, कोई उस टाइम पे लिमिट नहीं चेक करता, ऑडिट एक्सेप्ट हो जाती है। भाई मान लो मेरी रेफरेंस से मेरे पास कोई ऑडिट आया, मतलब एक कंपनी है सर, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया या कंपनी को किसी ने रिकमेंड किया और थोड़ा सा भाई जान पहचान भी थी, तो मेरे को क्या हुआ उस कंपनी का ऑडिट मिल गया। लेकिन सर अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैं ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंपनी में ऑडिटर हूं, तो सर मैं तो एलिजिबल हुआ ही नहीं, मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन सर मेरी फर्म के अदर पार्टनर्स तो कर सकते हैं, तो होता क्या है सर ऑडिट मैं ही करूंगा उसका, क्योंकि सर कंपनी मुझे जानती है, मेरी रेफरेंस है, मेरी जान पहचान है कंपनी से, ऑडिटर तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सर साइनिंग कौन करेगा? मैं साइनिंग अपने अदर पार्टनर से करवा लूंगा। ये चलती है सर मार्केट में नॉर्मल प्रैक्टिस। पॉइंट समझ में आता है। तो सर दिस इज इंपॉर्टेंट। हालांकि ये पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्लॉज पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखो 141 3H में क्या लिखता है, वो कहता है अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट बीन इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। वो कहता है अगर किसी पर्सन को कोर्ट से सजा मिली थी, फ्रॉड के जुर्म में, और उस सजा को कंप्लीट हुए अभी 10 साल पूरे नहीं हुए, तो सर हम ऑडिटर उसका नहीं बन सकते। मेरे को किसी फ्रॉड के जुर्म में कोर्ट से सजा मिली हुई थी, ठीक है, जब मैं ऑडिटर बनने जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि सर सजा मिले हुए 10 साल पूरे हुए या नहीं हुए। अगर 10 साल पूरे अभी नहीं हुए तो सर मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कहने का मतलब सर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि सजा पूरी होने के 10 साल तक मैं किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। पॉइंट समझ में आता है। भाई मेरी जो सजा कंप्लीट हुई उसके अगले 10 साल तक मैं किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक, सिंपल सा पॉइंट है। तो नेक्स्ट 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई,
ये क्या कहता है, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब या तो व्यक्ति खुद या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब मैं जिस फर्म में हूं सर, मेरा कोई और पार्टनर, मेरा कोई और पार्टनर अगर कंपनी को 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या तो कंपनी को प्रोवाइड करता हो, या उसकी होल्डिंग को प्रोवाइड करता हो, या उसकी सब्सिडरी को प्रोवाइड करता हो, तो सर मैं अलाउड नहीं हूं टू बिकम द ऑडिटर। अब बात यह आती है सर 144 में क्या लिखा है, ये सर 144 आ गया, साथ साथ 144 भी कवर कर लेंगे। आओ अभी मैं ऊपर की लाइन छुड़वा दी है मैंने आपको, पहले 144 पे हूं कि सर 144 में क्या लिखा है, सेक्शन 144 में क्या लिखा है, मतलब इसका हेडिंग क्या है सर, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। भाई अगर आप किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 144 वाली सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकते। डायरेक्टली मतलब मैं खुद, इनडायरेक्टली मतलब मैं अपने रिश्तेदार के थ्रू या मेरे पार्टनर के थ्रू मैं सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता। कौन कौन सर्विसेज है वो देखते हैं। वो कहते हैं 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइडेड टू डू टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी एज द केस में भी, बट विच शेल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वेदर सच सर्विसेज आर रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और द सब्सिडरी कंपनी नेमली दिस। वो कहता है, वो कहता है कि आप ऑडिटर हो तो आप वही काम कर सकते हो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमिटी ने अप्रूव किया हुआ है। भाई जनरली क्या होता है कि ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो सर ऑडिट तो कर ही सकते हो, कई बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी ने कुछ और काम भी आपको एडिशनल दे रखा है, जनरली सर्टिफिकेशन वगैरह का काम होता है। कल को आप बैंक ऑडिट वगैरह जब करने जाओगे, प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे, हालांकि हम पढ़ेंगे भी बैंक ऑडिट, तो बैंक ऑडिट जब प्रैक्टिकली करने जाओगे तो सर बैंक के केस में ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ऑडिटर को कई सारे सर्टिफिकेट्स भी साइन करने होते हैं जो कि सर आरबीआई में सबमिट होते हैं, तो वह सर्टिफिकेशन का काम अलाउड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बैंक की ऑडिट कमेटी, सर ऑडिट कमेटी क्या है वो भी हमें पढ़ना है। ये समझ लो सर बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी होती है ना, वहां पर ऑडिटर से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो ऑडिट कमेटी संभालती है। हालांकि ऑडिटर तो बाहर का बंदा है, लेकिन सर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करवाना, ऑडिटर से डिस्कशन करना, ऑडिटर के लिए सर अपना स्कोप डिसाइड करना, लिमिटेशंस डिसाइड करना, कुछ भी काम करना सर ऑडिटर से कम्युनिकेशन कौन करता है, ऑडिट कमेटी करती है। ये जनरली बड़ी कंपनीज में होता है, लिस्टेड कंपनीज वगैरह में होता है। लेकिन अगर सर कोई छोटी मोटी कंपनी है जिसमें सर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर यही सारा काम कौन करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि 144 में ऑडिटर कुछ सर्टेन सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकता, मतलब ऑडिटर कंपनी, जो ऑडिटर है कंपनी का, वो वही काम कर सकता है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी ने बोल रखे हैं, ऑडिट कमिटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। लेकिन सर वो काम ये 144 वाले नहीं होने चाहिए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, चाहे कंपनी को या कंपनी की होल्डिंग को या कंपनी की सब्सिडी को, मतलब अगर आप एक्स लिमिटेड को ऑडिट करने जा रहे हो तो सर आप एक्स लिमिटेड को 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना आप एक्स की होल्डिंग को कर सकते, ना आप एक्स की सब्सिडी को कर सकते। ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा है कि ना एक्स की होल्डिंग को ना सब्सिडी को, दैट्स इट। सर अगर मैं एक्स की एसोसिएट कंपनी को प्रोवाइड करता हूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं एक्स की होल्डिंग की किसी और सब्सिडी को प्रोवाइड करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं एक्स की होल्डिंग की किसी एसोसिएट कंपनी को प्रोवाइड करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो हम क्लॉजेस पढ़ रहे थे वहां सब कवर था, लेकिन यहां पर कंपनी के साथ उसने सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडी को कवर किया, दैट्स इट। ठीक है, अब बात यह आती है सर 144 में कौन कौन सी सर्विसेज लिखी हुई हैं। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज, भाई अगर आप किसी को ऑडिट करने जा रहे हो तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बुक कीपिंग नहीं कर सकते, अगेन सर इंडिपेंडेंसी अफेक्ट हो जाएगी। ना तो आप डायरेक्टली कर सकते ना आप किसी के थ्रू इनडायरेक्टली करवा सकते। भाई ऐसा ना हो कि आप ऑडिट करो और आपका रिश्तेदार उसको अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करता हो, अलाउड नहीं है सर,
नॉट अलाउड। या फिर आपका कोई पार्टनर अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ना उस आप उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब अब मैं जब आप बोलूंगा ना तो समझ लेना सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप में आपका रिश्तेदार भी आ गया और आपका पार्टनर भी आ गया, कि सर आप उस कंपनी को इंटरनल ऑडिट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं कंपनी बोलूंगा तो सर कंपनी में ऑटोमेटिकली होल्डिंग भी आ गई, सब्सिडी भी आ गई। देखो क्या होता है, बार बार ना एक ही चीज नहीं बोली जाती। अब आपको थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। सर जैसे मैंने आप बोला तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया ना कि भाई आपके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, मतलब जैसे मैं आप बोल रहा हूं तो सर आप में आपका रिलेटिव भी आ गया और आपका पार्टनर भी आ गया। अगर मैं कंपनी बोल रहा हूं तो सर कंपनी में होल्डिंग भी आ गई, सब्सिडी भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से समझना शुरू करो। मैंने क्या बोला, सर आप ना तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विस दे सकते, दूसरा आप ना उस कंपनी को इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते। भाई इंटरनल ऑडिट याद है, हमने थोड़ा बहुत इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा था कि सर मैनेजमेंट जो होती है वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स, कहाँ पढ़ा था सर, कहाँ पढ़ा था, अरे चैप्टर 1, 2, 3 में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के आ रहे हो। वैसे तो इसका पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, वहां पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूं कि सर इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी होती है। अब वो इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी इज वेदर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, उसके लिए मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट करवाती है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के ऑडिटर बनने जा रहे हो तो आप उसको इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक, यू कैन नॉट डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिजाइनिंग और उसकी इंप्लीमेंटेशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप कंपनी को कोई एक्चुरियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। सर एक्चुरियल सर्विस मतलब वैल्यूएशन सर्विस होती है, बेसिकली प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की वैल्यूएशन करवाती है कंपनी, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट की वैल्यूएशन कराती है, इस टाइप की जो वैल्यूएशन सर्विस होती है एज गिवन अंडर AS 15। हालांकि AS 15 आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अब तो सर AS 15 की जगह INDAS आ चुका है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था। AS 15 के हिसाब से सर कुछ एक्चुरियल सर्विस होती थी कि वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। आप कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप कंपनी को यू कैन नॉट रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, आप कोई भी किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी मैनेजमेंट सर्विस टू द एंटिटी एंड एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि अगर सर कोई और सर्विस कल को लिख दी जाती है तो वो भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। दोबारा इन सबको सर शॉर्ट में मैं क्या, अगर मैं एक ही वर्ड दूं सारी सर्विस को तो दीज आर नोन एज नॉन ऑडिट सर्विसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑडिट सर्विसेज। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा सेक्शन 144 में कि सर कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को ये लिस्ट ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई भी ऑडिटर कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंस सर्विस और एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है, तो ये सर लर्न करनी पड़ेंगी आपको, लर्न करनी पड़ेंगी। 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये इन सर्विस में लिख दिया जाता है कि एक ऑडिटर है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कर रहा है ऑलरेडी, तो क्या सर वो एलिजिबल होगा या डिस्क्वालिफाइड होगा, इस टाइप का बताना है। तो सर ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, हम ऊपर से पढ़ते आ रहे थे, 144 भी साथ में कवर किया। एक मिनट, एक लाइन रह गई थी 144 में, एक मिनट रुको। इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म हु और which has been performing any non-audit services on or before the commencement of this act shall comply with the provision of this section before the closure of first financial year after the date of such commencement। क्या कहता है वो कहता है सर कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तो सर आपके ऊपर भी ये सेक्शन लग जाएगा। भाई आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मैं तो 1956 एक्ट के हिसाब से, समझते हो ना सर, 2013 से पहले 1956 चलता था। वो कहता है 1956 एक्ट के हिसाब से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि अगर आप 1956 एक्ट में के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे आपके ऊपर ऑटोमेटिकली डीम्ड 2013 का एक्ट लगेगा ही लगेगा। अब ऊपर से पढ़ते आ रहे थे हम,
देखो क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे 141(3)(i) क्लॉज आई, वो कहता है अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस एज लिस्टेड इन सेक्शन 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा सर, डिसक्वालिफाइड हो जाएगा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अब कुछ इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन इन एक्सप्लेनेशन टू 144 दैट इज इन केस ऑफ ऑडिटर बींग एन इंडिविजुअल। सर अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल और थ्रू एनी अदर एंटिटी वट सो एवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज बाय सच इंडिविजुअल शैल बी टर्म्ड एज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑडिटर। बेहतरीन पॉइंट। अब यहां पर उसने डिफाइंड किया, ये सर क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है किसको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को, कि सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। वो कहता है इंडिविजुअल के केस में डायरेक्टली का मतलब तो सर हिमसेल्फ ही हो गया, इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अपने रिश्तेदार के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू, और अगर आप किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होल्ड करते हो। सर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कहां से पता लगता है, ये इन द टर्म्स ऑफ AS 18 पता लगेगा। AS 18 याद है सर, रिलेटेड पार्टी में सिग्निफिकेंस और कंट्रोल दिखा होगा। कंट्रोल कैसे आता है, कंट्रोल आता है कि अगर आपके पास उस कंपनी की आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल है या आपके पास पावर है टू कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है, सर आपके पास पावर है टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड आपके पास 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल है। सर ये थोड़ा बहुत AS 18 में देख लेना पॉइंट, कि अगर आपके पास किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है तो सर वो कंपनी एक तरीके से क्या होगी, सिंपल वर्ड्स में बोले वो कंपनी आपकी होगी, वो कंपनी क्या होगी सर, आपकी होगी। तो अगर आप 144 वाली सर्विसेज उस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो तो भी सर आप डिस्क्वालिफाइड हो, वो इनडायरेक्टली में कवर हो जाता है। मतलब एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं किसी कंपनी को डायरेक्टली कोई 144 की सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो सर मैं अलाउड नहीं हूं, मेरा रिलेटिव करता है नॉट अलाउड, मैं डिस्क्वालिफाई हूं, अगर मेरा पार्टनर करता है तब भी मैं डिस्क्वालिफाई हूं। अगर मैं किसी मतलब एक कंपनी है वो किसी कंपनी को 144 की सर्विस प्रोवाइड करती है, देखो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और एक कंपनी आगे रिलायंस इंडस्ट्री, XYZ रिलायंस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन इस XYZ में CAX क्या है सर, CAX का कंट्रोल है या CAX का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो कहता है कि इस कनेक्शन में भी सर CAX डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज सर इनडायरेक्टली 144 की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली में सर ये ट्रांजेक्शन ये अपना एसोसिएशन कवर हो जाती है। कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो उस कंपनी में कंट्रोल होल्ड करता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है तो सर वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक, ओके। अब मान लो वो कहता है ये तो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट की बात आ गई, लेकिन अगर मान लो सर CAX ना तो कंट्रोल होल्ड करता, CAX ना तो कंट्रोल होल्ड करता ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता, लेकिन सर CAX XYZ लिमिटेड का ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज कर रहा है, ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज कर रहा है, तब भी सर CAX अलाउड नहीं है। देखो और एग्जांपल लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, EY कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुना होगा सर EY कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखो जितनी भी बिग फोर्स हैं वो CA फर्म भी है और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी भी चलती है, EY कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो कहता है ये EY कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विस प्रोवाइड करती है,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है, 144 में लिस्टेड है सर। सीएएक्स रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट करना चाहता है, क्या सीएएक्स रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट करना कर सकता है? आंसर इज कर सकता है, अगर वो उसका कोई भी कंट्रोल ना हो इधर, ना कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, अगर ये सब चीजें नहीं है तो सीएएक्स बन सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला सर ना तो कंट्रोल है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सीएएक्स बन सकता है। लेकिन सर सीएएक्स जो ऑडिट करता है वो हमेशा ईवाई का ब्रांड नेम यूज करता है, ईवाई का ट्रेडमार्क यूज करता है, या ईवाई का लोगो वगैरह यूज करता है। वो कह रहा है सर ऐसा भी अगर करता है ना तब भी सीएएक्स क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सीएएक्स क्या हो जाएगा सर, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि अगर वो ब्रांड नेम ट्रेडमार्क या लोगो वगैरह यूज करता है तब भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पढ़ो अब लाइन पढ़ो ध्यान से, इन केस ऑफ एन ऑडिटर बींग इंडिविजुअल आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और एनी पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल और थ्रू एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विद सच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और या फिर हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल शैल बी टर्म्ड एज रेंडरिंग ऑफ सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑडिटर। ठीक है, ये किसकी बात हुई सर, ये हुई इंडिविजुअल की बात। अब हम आते हैं कि सर इन केस ऑफ ऑडिटर बींग फर्म, अगर फर्म होगा तो फर्म क्या होगा, या तो फर्म इटसेल्फ खुद, या फर्म किसी अपने पार्टनर के थ्रू, या पेरेंट के थ्रू, या सब्सिडी के थ्रू, या एसोसिएट के थ्रू, और एनी अदर एंटिटी इन विच द फर्म और पार्टनर हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और हुज नेम ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय द फर्म और इट्स पार्टनर शैल बी टर्म्ड टू हैव रेंडरिंग ऑफ सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ऑडिटर। सेम चीज है सर, वो कहता है फर्म या तो फर्म खुद सर्विस प्रोवाइड करती हो, या फर्म किसी पार्टनर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती हो, या फर्म की कोई सब्सिडरी हो या पेरेंट हो या होल्डिंग हो उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करी जा रही हो, या फिर सर फर्म का पार्टनर, या तो फर्म या फर्म का पार्टनर किसी कंपनी में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता हो, या फर्म का पार्टनर या फर्म कह लो फर्म किसी कंपनी का ब्रांड नेम ट्रेडमार्क वगैरह यूज करती हो तो सर अलाउड नहीं है। अब यहां पर सर मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूं, यहां पर ईवाई कंसल्टिंग की जगह अब यहां सीएएक्स नहीं है, यहां पर ईवाई है, ईवाई खुद एक क्या है सर एलएलपी है, ईवाई एलएलपी है। अब मैंने क्या बोला कि सर ईवाई एलएलपी अगर ईवाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है तो सर ईवाई एलएलपी रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकती। अगर ईवाई कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड नहीं करती लेकिन ईवाई एलएलपी ईवाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड नेम ट्रेडमार्क लोगो वगैरह यूज करती है तब भी सर ईवाई एलएलपी रिलायंस इंडस्ट्री को क्या नहीं कर सकती सर, ऑडिटर की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। 144 में इनडायरेक्टली में कवर हो जाती है चीज। आया पॉइंट समझ में, आया पॉइंट समझ में, पॉइंट समझ में आया तो एक बार फटाफट रिवाइज करो क्या कहता है वो क्लॉज आई, क्या कहता है 141(3)(i), आई में क्या लिखा है सर, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन 144 टू द कंपनी इट्स होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। हाँ जी, अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग और ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। भाई अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को किसी भी तरीके की 144 की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप अलाउड नहीं हो। ठीक है सर, अब बात ही आती है सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट सर। इंडिविजुअल के केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली मतलब इंडिविजुअल खुद और या फिर इंडिविजुअल किसी रिश्तेदार के थ्रू, या फिर इंडिविजुअल किसी ऐसी एंटिटी के थ्रू जिसमें उसका कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या उस एंटिटी के ब्रांड को ट्रेड नेम को लोगो वगैरह को इंडिविजुअल यूज करता हो। फर्म की अगर मैं बात करूं तो सर फर्म खुद
या फर्म किसी पार्टनर के थ्रू, या फर्म अपनी किसी पेरेंट या सब्सिडी वगैरह के थ्रू, या फिर फर्म उस कंपनी में कंट्रोल, या फर्म या फर्म का पार्टनर उस कंपनी में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यूज करता हो, या फिर फर्म या उसका पार्टनर उस कंपनी का ब्रांड नेम या ट्रेड नेम लोगो वगैरह यूज करता हो, तो सर वो फर्म एलिजिबल नहीं है टू बिकम द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ठीक, 144 में सर क्या लिखा था, कुछ सर्विसेज के नाम लिखे थे कि सर जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसको नहीं कर सकता, कंपनी को नहीं कर सकता, कंपनी की होल्डिंग को नहीं कर सकता, कंपनी की सब्सिडी को नहीं कर सकता। ये सर्विसेज के नाम है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक, आओ जी एग्जाम्पल, सीए पोशन is providing the services of investment banking to C Limited. Later on, he was also offered to appointed as an auditor of the company for the current year, current financial year. बताओ जी, हो सकता है? CA Poshin जो था, वो C Limited को investment banking की service provide करता था. Sir, 144 में listed है service. अब CA Poshin को C Limited के auditor की appointment offer होती है. तो sir, क्या CA Poshin C Limited का auditor बन सकता है? Not allowed. Answer is no. पढ़ लेते हैं, कहां लिखा है सर, 141(3)(1) में लिखा है, 141(3)(I) में लिखा है, सेक्शन 141(3)(I) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विस रेफर्ड टू इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी, सेक्शन 145 प्रिस्क्राइब द सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, देयरफॉर सीए पोशन इज एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ ऑडिटिंग एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस इज स्पेसिफिकली नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ द सर्विस नॉट टू बी रेंडर्ड बाय हिम एज पर सेक्शन 141(3)(I) रेड विद 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लास्ट पॉइंट सर, ये क्या चल रहा है जी, 141 चल रहा है, सेक्शन 141 चल रहा है, अब इसका सब सेक्शन 4 आ गया, 141(3) में डिस्क्वालिफिकेशन है, 4 में क्या लिखा है, कुछ छोटी सी पॉइंट लिखा होगा, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सब सेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। अब मैं आपको सर कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन पढ़ाऊंगा इसके बाद, क्या कहता है वो, कहता है, वो कहता है कि अगर मान लो, अगर मान लो कोई भी पर्सन, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई भी पर्सन ऑडिटर बनने के बाद 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन में कवर हो जाता है, अगर कोई भी ऑडिटर ऑडिटर बनने के बाद 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन में कवर हो जाता है, तो सर उस टाइम पे ऑडिटर को सर इमीडिएटली ऑडिटर की पोजीशन को वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं, हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल वैकेंसी का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे फिल करी जाएगी, वो भी आगे देखते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ो, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन सबसेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। एक केस स्टडी दे रखी है, इसको देखते हैं एक बार, पढ़ो, मिस्टर ए अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड इन सितंबर 2016 विच असाइनमेंट ही एक्सेप्टेड, सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2017 ही जॉइंड मिस्टर बी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड एज अ पार्टनर। आया समझ में पॉइंट, कहां से पॉइंट पूछा उसने, दोबारा देखो, हाँ जी, वो कहता है मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि सर लक्ष्मण लिमिटेड का ऑडिटर बन गया, एजीएम में डिसाइड हो गया 2016 में, मार्च जनवरी 2017 में उसने बी को पार्टनर बना लिया अपना, और बी ऑलरेडी फाइनेंस मैनेजर है लक्ष्मण लिमिटेड का, तो सर ए क्या हो जाएगा, ए अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ए अब क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर 141(3)(c) में क्या लिखा था, 141(3)(c) में क्या लिखा था, एन ऑफिसर एन एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि सर लक्ष्मण लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है बी,
बी का पार्टनर जो कि ए है, सर ए ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है। याद आ गया 141(3)(c) में लिखा था ये चीज, पढ़ो। सेक्शन 141(3)(c) ऑफ द कंपनी एक्ट 13 प्रिस्क्राइब दैट एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विल बी डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सबसेक्शन 4 ऑफ 141 प्रोवाइड्स दैट एन ऑडिटर, अच्छा अब क्या हुआ सर, ऑडिटर बनने के बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो सर 141(4) में वो क्या हो जाएगा सर, कैजुअल वैकेंसी मानी जाती है, उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। 141(4) provides that an auditor who becomes subject after his appointment to any of the disqualification as specified in 141(3), he shall deem to vacate his office as an auditor. Conclusion, in the present case, Mr. A, an auditor of Lakshman Limited, joined as a partner with Mr. B, who is manager finance of Lakshman Limited. Thus, in the given situation, it has attracted disqualification under 141(3)(c). Therefore, he shall be deemed to vacate the office of the auditor of Lakshman Limited in accordance with provision of section 141(4). ठीक है सर, तो ये हमारा सर eligibility, qualification and disqualification का section complete हुआ, section 141. ठीक है सर, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था 141, जिसमें आपको सर एक क्वेश्चन कंफर्म लिखवा लो सर, मिलेगा ही मिलेगा, कहीं भी किसी भी क्लॉज में से आ सकता है, ज्यादातर थोड़ा सा डी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन सर कोई भी आ सकता है, सारे के सारे बढ़िया हैं। एक बार फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं सर। 141(3) सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन, 141(3) कितने क्लॉज है सर, ए से लेकर आई तक। क्लॉज ए में क्या लिखा है, अच्छा 141(3) में क्या लिखा है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, कि सर कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। क्लॉज ए में लिखा है अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। सेकंड, बी में कौन नहीं बन सकता, बी में सर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई एम्प्लॉय ऑफिसर वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सी में क्या लिखा है, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि सर कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई भी पार्टनर कोई भी एम्प्लॉय वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। डी में क्या लिखा है सर, डी में लिखता है अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर। डी का सर सब क्लॉज 1 में कहता है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में सर सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट, होल्डिंग की सब्सिडी और एसोसिएट सब कवर कर लिया उसने। लेकिन इसमें सर प्रोवाइजो क्या था कि सर रिलेटिव 1,00,000 की फेस वैल्यू तक की शेयर्स को सिक्योरिटीज को होल्ड करके चल सकता है। सर अगर रिलेटिव ने 1,00,000 से ऊपर की सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा है और पर्सन ऑडिटर बन गया है तो 60 डेज का टाइम लिमिट दी जाती है टू रिमूव दैट, टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। ठीक है सर, क्लॉज 2 में क्या लिखता है कि सर अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000। 141(3)(d) क्लॉज 3 में क्या लिखता है, अ पर्सन हु इज रिलेटिव हुज पार्टनर हैज गिवन गारंटी और गारंटी ऑफ एनी थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000। 141(3)(d) कवर हुआ। 141(3)(e) में क्या लिखा है सर, 141(3)(e) में क्या लिखता है बताइए जी, 141(3)(e) में लिखता है कि अ पर्सन और अ फर्म हु हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी में वही सारी चीजें उसने कवर कर ली। बिजनेस रिलेशनशिप में सर दो ट्रांजेक्शन नहीं आती कि सर अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस है विच आर परमिटेड अंडर कंपनी एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट और एनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि सर एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी जा रही है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, वो कवर इसमें नहीं होती है। 141(3)(f) में क्या लिखता है कि अ पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या जिसका रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉयड है एज अ डायरेक्टर और KMP। ठीक, 141(3)(g) में क्या लिखता है, एक अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉय एनीवेयर, कि अगर कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, या फिर अगर कोई पर्सन और पार्टनर अपॉइंटमेंट के टाइम पे 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट होल्ड करता है तो सर वो पर्सन अलाउड नहीं है उस ऑडिट कंपनी के ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब सीलिंग लिमिट लगा दी कि सर 20 से ज्यादा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। इस सीलिंग लिमिट में सर कौन बाहर है, 1% कंपनी बाहर है, 1% कंपनी नहीं आती सीलिंग लिमिट में, स्मॉल कंपनी नहीं आती, डोरमेंट कंपनी नहीं आती और वो प्राइवेट कंपनी नहीं आती जिसकी टर्नओवर और जिसकी शेयर कैपिटल, सर टर्नओवर नहीं शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। 141(3)(h) में सर सिंपल वर्ड्स में क्या था, 141(3)(h) में था कि अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की सजा मिली हुई थी और सजा पूरी हुए 10 साल अगर अभी नहीं हुए तो सर विद इन 10 ईयर्स वो कोई भी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और 141(3)(i) में क्या लिखता है कि सर अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सर्विस टू द कंपनी, अब यहां पर कंपनी में सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी है,
एज लिस्टेड इन 144 144 में सर्विसेज हमारे पास क्या क्या थी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेज एडवाइजरी, एक्चुरियल सर्विस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस और एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि सर अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है या तो इंडिविजुअल खुद या अपने रिश्तेदार के थ्रू या किसी भी ऐसी एंटिटी के थ्रू जहां पर उसका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर वो उस एंटिटी का ब्रांड और ट्रेड नेम वगैरह यूज करता है, तो सर उस एंटिटी के थ्रू भी अगर सर्विसेज को प्रोवाइड करी जा रही है तो भी वो डिसअलाउड है। फर्म की अगर मैं बात करूं तो सर फर्म खुद या फर्म अपने पार्टनर के थ्रू या फर्म अपनी पेरेंट सब्सिडियरी वगैरह के थ्रू या फर्म का पार्टनर या फर्म खुद किसी एंटिटी में सर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है या फर्म या उसका पार्टनर उस एंटिटी का ब्रांड नेम ट्रेड नेम लोगो वगैरह यूज करता है तो सर फर्म भी क्या हो जाएगी, सर डिसक्वालिफाई हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। चलो तो ये हमारा सेक्शन 141 कंप्लीट होता है। 141(3) अच्छा 141(4) भी देख लिया था। 141(4) में कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है 141(3) वाली तो सर ऑडिटर को अपने ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा और ये कैजुअल वैकेंसी मानी जाती है। अब कैजुअल वैकेंसी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है जी, चलो फिर तो इसी के साथ हमारे ये सेक्शन 141 कंप्लीट होता है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से सर इसको पढ़ लेना। कई सारे हमने केस स्टडीज भी देख लिया है तो प्लीज डू इट केयरफुली। ठीक है जी, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।